नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। 1858 1 नवंबर 1858 का वह दिन भारतीयों के लिए बहुत ही अहम दिन था। इलाहाबाद जो कि आज का प्रयागराज और मिंटो पार्क में शाही दरबार और शाही दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये घोषणा पत्र पढ़ा जाता है, एक घोषणा पत्र पढ़ा जाता है कि वे भारतीय, सभी भारतीय ध्यान से सुने कि उनकी शासिका महारानी अलेक्जेंडर विक्टोरिया, मतलब इस भारत की शासिका कौन है? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। तो ये घोषणा पत्र पढ़ा गया शिक्षित वर्ग द्वारा, इसे मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। 1858 के शासन का प्रारंभ, जो अधिनियम जो भेजा गया वो ताज के शासन का प्रारंभ माना जाता है। सीधे अंग्रेजी हुकूमत जो है अब भारत देश पर शासन कर रही है। ये वीडियो पूरा देखते रहिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत दिलचस्प बात आपको बताऊंगा, सारी बातें क्लियर रहेंगी, लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूँ कि 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या है, ताज का शासन क्या है, क्राउन का शासन क्या है। अपने देश में जब हम अंग्रेजों की दास्ता से गुजर रहे थे और उस दास्ता में, उस गुलामी में सबसे जबरदस्त पकड़ अंग्रेजों ने जो बनाई है वो बनाई रानी महारानी विक्टोरिया के टाइम पर, और सीधे उनका शासन होगा। बहुत ही शानदार पॉइंट है ये, पूरे संविधान में मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब जो है 1858, तो उसको आप जोड़ दीजिए, 1 + 8 + 5 + 8 टोटल होता है 22। और इससे एक बात याद रख सकते हैं कि वायसराय का जो चलन हुआ वो इसी एक्ट के द्वारा हुआ। अब जो है जो भारत का गवर्नर जनरल पद था वो अब वायसराय के रूप पे जाना जाने लगा। चलिए बहुत सारी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ताज का शासन प्रारंभ हो रहा है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर दो तरीके से शासन किया है, एक तो कंपनी का शासन था और दूसरा था ताज का शासन। तो जो कंपनी का शासन है वो 1857 की क्रांति के साथ ही खत्म हो जाता है। तो जो 1858 में हुआ ये कि अंग्रेज बहुत अच्छे तरीके से समझ गए थे कि राजा, सैनिक और शिक्षित, ये तीन वर्ग अंग्रेजों से काफी नाराज हैं। राजा क्यों नाराज हुआ करते थे? क्योंकि इन्होंने जो अपने क्षेत्र विस्तार की, क्षेत्र प्रसार की जो नीति अपनाई, जैसे हड़प नीति, राज्य को हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, तो ये सारी जब बातें आई, क्षेत्र का विस्तार इन्होंने बढ़ाया, प्रसार बढ़ाया, तो राजा महाराजा जो थे, रियासतें थी, उनमें नाराजगी होने लगी। दूसरा जो वर्ग कहें तो सैनिक, आपने सुना होगा, अच्छे से जाना होगा कि सैनिक ही जो है तात्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का। अगर तात्कालिक कारण कोई पूछे तो आप जानते हैं कि एक राइफल में था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था, जिसको कि मंगल पांडे ने मुंह से छीलने से इनकार कर दिया। तो एक सैन्य विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ और बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप धारण कर लिया इस विद्रोह ने, पूरी क्रांति आ गई। तो जो सैनिक थे अपने भेदभाव भी बहुत हुआ करता था, जो अंग्रेज सैनिक थे उनके वेतन ज़्यादा थे हमारे भारतीय सैनिकों की अपेक्षा, तो ये सारी बातें थी। तो सैनिकों में बहुत विद्रोह था दोस्तों। और सैनिक के साथ साथ तीसरा जो शिक्षित वर्ग है हमारा, हमारे देश में जो शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षित हो चुके थे, वो अब हर एक जगह पे तिरस्कृत होने लगे थे, उनका तिरस्कार होने लगा था, केवल इसलिए कि वो अंग्रेजी भाषा के इतने ज़्यादा जानकार नहीं हो रहे हैं। इसलिए तो जो अंग्रेजी भाषा की जो शिक्षा है, वो शिक्षा पद्धति पे चारों तरफ जो फैल गई थी, उसके विरोध में जो हमारे शिक्षित व्यक्ति हैं उनका भी वर्ग जो था। तो दोस्तों प्लीज़ आप पूरा बने रहिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ कि ताज का शासन शुरू होता है और 1857 की क्रांति के पहले लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे जब 1857 की क्रांति थी। जब 1857 की क्रांति थी उस वक्त, 1857 की क्रांति के वक्त लॉर्ड कैनिंग
थे गवर्नर जनरल जिनको 1858 के शासन अधिनियम के अंतर्गत उनको वायसराय बना दिया गया। मतलब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड केनिंग थे, और प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड केनिंग ही थे। अब लॉर्ड केनिंग चूंकि पहले से ही कुछ संबंध रहा होगा, दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं इससे रिलेटेड कि जब 1857 की क्रांति हुई या जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्तों उस समय लॉर्ड पामिस्टन थे। और जो ये 1858 का शासन अधिनियम आया, उसकी अध्यक्षता किसने की, तो लॉर्ड स्टैनले ने की थी, और वही फिर भारत के राज्य सचिव। ध्यान से सुनिएगा, वायसराय एक पद सृजित किया गया, और उसके सहायतार्थ में, एक तरीके से सहायतार्थ नहीं, जो ब्रिटेन पार्लियामेंट है उसका एक मेंबर भारत के राज्य सचिव, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, एक पद सृजन हुआ जिसके भारत के राज्य सचिव हुआ, और वही भारत का राज्य सचिव जिसने अध्यक्षता की थी, जो 1858 के शासन अधिनियम को भेजा था, वही फिर बड़ी रोचक बात है कि वही फिर बाद में भारत का राज्य सचिव बन के आया, और उसके सहायतार्थ 15 सदस्यों की पूरी टीम थी। अब पूरा फोकस कीजिएगा टॉपिक पे, पूरा फोकस कीजिएगा कि 15 सदस्यीय टीम जो है उसका सहायता में है, और भारत का राज्य सचिव जो पद है वो लॉर्ड स्टैनले का है, वो पहला भारत का राज्य सचिव हुआ, और वो कहां से सीधे उस पे नियंत्रण किसका है, महारानी का, महारानी अलेक्जेंडर विक्टोरिया जो कि ब्रिटेन की महारानी है, उनका डायरेक्ट, क्योंकि पार्लियामेंट का वो सदस्य है, और पूरी रिपोर्टिंग उसको, पूरी पेमेंट, जितने भी 15 सदस्य, सारा पेमेंट भारतीयों के, है ना, खून पसीने की जो राजस्व इकट्ठा होता था वो जाके पैसा पहुंचता था उनके पास। तो कितना बुरा, धन निष्कासन का सिद्धांत के बारे में मैंने बताया था कि दादा भाई नौरोजी जी ने धन निष्कासन का सिद्धांत बताया कि किस कितनी तेज गति से धन जो है वो भारत से विदेश जा रहा है, अंग्रेजों के पास जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं कि लॉर्ड स्टैनले भारत के पहले राज्य सचिव माने गए हैं। तो ये सेक्रेटरेट की तरह, एक सचिवालय की तरह कार्य करने लगा। अब इन्होंने देखा कि कंपनी का शासन सही नहीं था, तो कंपनी के समय पे इन्होंने पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया। बोले अब आप बिल्कुल भी व्यापार नहीं करेंगे। तो पहली बात समझ लीजिए कि 1858 के भारत शासन अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। उसके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बीओसी था जिसको कहते हैं, नियंत्रण बोर्ड, उसको भी खत्म कर दिया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब यहां पर शासन कौन कर रहा है, भारत का राज्य सचिव और जो वायसराय है। वायसराय मतलब कि वायसराय पे अगर आप समझिए तो विक्टोरिया का डायरेक्ट पूरा कंट्रोल है। अब इसको जब एक घोषणा पत्र आया जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया हमारे शिक्षित वर्ग द्वारा, तो मैं मैग्ना कार्टा के बारे में बताना चाहता हूं कि प्रयागराज में, है ना, प्रयागराज में मिंटो हॉल एक सभा थी, उस सभा के दौरान लॉर्ड केनिंग द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर बताया जाता है, और भारत की शासिका घोषित किया जाता है, किसको, रानी विक्टोरिया को। तो अब भारत की शासिका के रूप में रानी विक्टोरिया कार्यरत है, तो एक तरीके से बहुत ही मजबूती लाने के लिए एक लाया गया था। मेरे प्यारे साथियों, आपके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप जरूर समझ लीजिएगा, और इसके और भी अगर पहलू हैं तो उसको हम 1861 के भारत शासन अधिनियम में क्लियर करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, तो लगातार इस चैनल पर बने रहिए अगर आपको संविधान के बारे में जानना है। तो जय हिंद।